सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्लच रिलीज करने का जो तरीका होता है, क्लच रिलीज टेक्निक। सबसे ज्यादा न्यू बिगनर्स को खासकर दिक्कत होती है क्लच रिलीज करने का जो तरीका होता है, किसी को भी नहीं पता क्या होता है, हमेशा कार बंद होती, क्यों बंद होती, किस वजह से बंद होती है। तो मैं एक आपको बहुत बेहतरीन जो ट्रिक बताने वाला हूँ, कभी जिंदगी में आपकी कार बंद नहीं होगी। ये क्लच से रिलेटेड जो टेक्निक है ना, ये कोई नहीं बताएगा, कोई ट्रेनिंग आपको ट्रेनर्स नहीं बताएगा। क्या होता है, ट्रेनिंग करने जाओगे जरूर, वो खुद से ऑपरेट करके आपको सारी चीजें ऑपरेट करा देंगे, बाद में आप अकेले बैठ जाओगे, दिक्कत होती है। तो मैं आपको सिर्फ दो तीन ट्रिक बताऊंगा जो तरीका बहुत अच्छा है। अगर आपने इसको अप्लाई कर लिया तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर से आप खुद कार निकाल लाओगे और आराम से गाड़ी चलाना सीख जाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि ये जो कार है मेरे पास लेरियो कार है और इसमें जो क्लच ब्रेक एक्सीलेटर यहाँ पर दिए रहते हैं, नीचे ये लेफ्ट तरफ क्लच होता है, बीच वाला ब्रेक होता है, राइट तरफ एक्सीलेटर होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये दो तीन चीजें हैं जो हमेशा एक ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट वाला पैर है तो हमेशा क्लच से ऑपरेट करना है, राइट वाला पैर है, राइट वाला ये ब्रेक होता है जो राइट वाले पैर से, और एक्सीलेटर होता है जो राइट वाले पैर से। बट क्लच रिलीज करने का जो तरीका होता है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, जगह पे डिपेंड करता है क्लच किस तरीके से रिलीज करना है आपको। अगर प्लेन जगह में अगर गाड़ी खड़ी है तो आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्लच से गाड़ी उठ जाती है। और तरीका बताऊंगा क्लच को कहाँ तक छोड़ना है जिससे आपकी गाड़ी आसानी से उठ जाए और आपको दिक्कत ना हो। तो मैं पहले थोड़ा सा रोड पे लूंगा आपको, ये पहला ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। रोड में लेने में थोड़ा सा पावर लगता है, ये मैंने आपको रोड पे गाड़ी ले ली मैंने, अब मैंने गाड़ी को स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पर है प्लेन जगह, यहाँ पर आपको ना ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी ना कैसी भी ज़रूरत पड़ेगी। आपको क्या करना है, सिंपल सी मेरे पैडल्स को देखिएगा कि ये कैसे करना है। मैंने क्लच प्रेस किया और मैंने लगाया फर्स्ट गियर। और याद रखिएगा, अगर प्लेन जगह में गाड़ी खड़ी हुई है तो आपको सिर्फ क्लच रिलीज करने की ज़रूरत है, आपको एक्सीलेटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लच को कितना रिलीज़ करना है, मेरा पैर देखिएगा, ब्रेक मैंने छोड़ दिया, एक्सीलेटर भी छोड़ दिया। क्लच को हमेशा एड़ी को जमाना है नीचे और पंजे को उठाना है। तो क्लच को इतना रिलीज़ करना, गाड़ी एक वाइब्रेशन पॉइंट पर आएगी, जिसे बोलते हैं बाइंडिंग पॉइंट क्लच। ये गाड़ी वाइब्रेशन पॉइंट पर आ गई है और जैसी वाइब्रेशन आ गई मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक धीरे धीरे मूव हो रही है, देख सकते हो आप मूव हो रही है। मैंने ना आपको एक्सीलेटर दिया, ना मैंने एक्सीलेटर दिया है, ना मैंने आपको ब्रेक लगाया, कुछ नहीं किया है। तो ये प्लेन जगह में होती है जो आराम से आप ट्रेनिंग मतलब सीख सकते हैं। फिर क्या करना है, क्लच दबा के ब्रेक लगाया मैंने आपको, फिर स्टॉप करी गाड़ी को, फिर क्लच को उतना ही रिलीज़ करना है बिना एक्सीलेटर के। धीरे धीरे गाड़ी ऑटोमेटिक मूव होने लगेगी, ये मैंने देखो दिया। जितना धीरे रिलीज़ करेंगे उतना बेस्ट रहेगा, जितना जल्दी रिलीज़ करेंगे उतनी जल्दी गाड़ी बंद होगी। देखो मेरी गाड़ी फिर से प्लेन जगह में ऑटोमेटिक मूव हो रही है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। आपको बिल्कुल कभी कार बंद नहीं होगी इस तरीके से, अगर आपने क्लच को रिलीज़ करने की कोशिश करी तो आराम से। फिर मैंने स्टॉप किया, फिर एक बार मैंने देखो रिलीज़ करके दिखाऊंगा आपको धीरे धीरे, मैं बार बार आपको करके दिखाऊंगा धीरे धीरे बिना एक्सीलेटर के। ये रिलीज़ हो रही है आराम से, धीरे मूव हो रही है गाड़ी, देख सकते हो मेरी गाड़ी आराम से चल रही है, ड्राइव हो रही है। देखो धीरे धीरे जब तक 30-35 मीटर में नहीं चली जाए आपको क्लच पूरा रिलीज़ नहीं करना है। जब पूरा वेट उठ जाए गाड़ी का, ये गाड़ी देखो उठ गई, ऑटोमेटिक चल रही है, मैंने पूरा क्लच छोड़ दिया, एक्सीलेटर की बिल्कुल नीड नहीं हो रही है मेरे। ये फिर मैंने क्लच दबा के ब्रेक लगाया, फिर मैं आपको धीरे धीरे क्लच को धीरे धीरे छोड़ते हुए एड़ी को जमाऊंगा, पंजे को उठाऊंगा धीरे धीरे, ये गाड़ी उठ रही है। कुछ इस तरीके से आप ड्राइव कर सकते हो और सीख सकते हैं, हम सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। ये पहला ट्रिक है आपको। दूसरा ट्रिक देखिए, धीरे धीरे मेरी गाड़ी मूव हो रही है, देख सकते हैं आप, ये मूव हो रही है गाड़ी मेरी, और मैंने पूरा क्लच भी छोड़ दिया तब भी गाड़ी बंद नहीं हो रही, ऑटोमेटिक चल रही है। यह है अपना फर्स्ट ट्रिक। और मैं आपको दूसरा ट्रिक बताऊंगा आपको, तो आपको पहले हम राइट टर्न कर लें, फिर उसके बाद दूसरा ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। वो साइड से कोई आ रहा है, ये मैंने मूव किया, धीरे धीरे देखते जाऊंगा मैं, कोई आ रहा होगा तो मैं रुकूंगा। ये तो हो गया पहला ट्रिक। अब सेकंड ट्रिक बताऊंगा, ये भी बहुत बेहतरीन ट्रिक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन उसको आपको आज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, घर पे आराम से गाड़ी मैंने स्टॉप करी, लगाया मैंने फर्स्ट गियर, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना है आराम से वाइब्रेशन तक। वाइब्रेशन आया, कभी ये ट्रिक जो होती है कभी रोड के नीचे होती है, ये कभी अनबैलेंस जगह में जैसे वहाँ गड्ढा है थोड़ा सा रोड के नीचे, तो पावर चाहिए होता है, सिर्फ क्लच काम नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, ब्रेक छोड़ के हम थोड़ा सा एक्सीलेटर भी देंगे, ये देखो एक्सीलेटर देके थोड़ा पावर दिया, धीरे धीरे गाड़ी उठ रही, लेकिन हाफ रखना है, पूरा नहीं छोड़ना है। जब रिलीज पूरी तरह से गाड़ी चलने लगे
तब आप एक्सेलेटर छोड़ सकते हो पूरी तरह से। फिर मैं स्टॉप कर रहा हूँ ये को, ये गाड़ी स्टॉप हुई मेरी। फिर क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना है आराम से, और थोड़ा सा एक्सेलेटर बना लेना है, अपन को पावर चाहिए होता है यहाँ पर थोड़ा सा। ये देखो धीरे धीरे रिलीज होगी गाड़ी, अभी रिलीज नहीं हुई, गाड़ी साउंड कर रही, थोड़ा सा रिलीज होगी। ज्यादा तेज एक्सेलेटर नहीं देना धीरे, लेकिन क्लच को ध्यान रखिए, क्लच वाइब्रेशन मोड तक ही छूटेगा, चाहे एक्सेलेटर दो या ना दो। फिर मैंने गाड़ी को स्टॉप किया, ये स्टॉप किया, फिर ब्रेक छोड़ा, फिर थोड़ा सा एक्सेलेटर लिया और एड़ी जमा के धीरे पंजे से उठाना है मेरे को क्लच को गाड़ी के वाइब्रेशन तक। गाड़ी उठ रही धीरे, इस तरीके से अपन बढ़ा सकते हैं, ये गाड़ी धीरे बढ़ने लगी इस तरीके से। क्लच को फिर से स्टॉप करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये फिर बढ़ाना धीरे, ये गाड़ी बढ़ रही, थोड़ा सा एक्सीलेटर ले लिया मैंने, जिससे धीरे धीरे गाड़ी बढ़ गई, ये बढ़ गई गाड़ी। देखो फिर से स्टॉप करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये मैं आपको बार बार प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ, लेकिन बार बार आप इस चीज़ को देखो और ये आजमाओ कि हाँ मेरे को कितना क्लच छोड़ना है जिससे गाड़ी बंद ना हो अपनी। ये है अपना जो क्लच रिलीज करने का जो टेक्निक्स होता है, ये बेस्ट तरीका होता है, इसके अलावा कोई नहीं बता सकता आपको, कभी ज़िंदगी में गाड़ी बंद नहीं होगी। फिर मैंने क्या किया, फर्स्ट गियर लगाया, फिर क्लच को धीरे थोड़ा सा एक्सीलेटर लेके ये धीरे रिलीज किया, ये बढ़ गई गाड़ी। इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ बताऊंगा इसके साथ साथ में कि हमको हाफ क्लच कितनी पास में रखना हो, कितने दूर का मतलब किस किस जगह में रखना है हमें। तो अभी तो मैं देखो क्लच दबा के मैंने बार बार गियर चेंज कर रहा हूँ, ये क्लच रिलीज करने का टेक्निक है। और चौराहे पे क्लच रिलीज जो करने का टेक्निक होता है वो थोड़ा चेंज रहता है। अभी हम थोड़ा आगे चौराहा है, वहाँ पर पहुँच के मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा। जब कभी भी आपको चौराहे पर जाना है तो पहले इधर से ओवरटेक करेंगे, जब कभी भी चौराहे में या कभी कंजस्टेड जगह में या कभी भीड़ में आपको क्लच रिलीज करने का जो टेक्निक थोड़ा सा चेंज रहता है, उसमें क्या करना पड़ता है अपन को, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। तो अभी तो हम थोड़ी देर से, दो मिनट लगेंगे अपन को, दो मिनट के बाद अपन आगे बढ़ सकते हैं। और ये चीज़ देखना है पैरों का जो कंट्रोल होता है मेरा वो किस तरीके से होता है। ये जैसे कोई ओवरटेक करता है तो उसको अपन को हॉर्न बजाना जरूरी है, क्रॉसिंग में अपन को ध्यान रखना ब्रेक पर रखा जाता है। अब यहाँ पे आ गया मेरा देखो चौराहा आ रहा है, अब क्या करना है चौराहे पे हम पहले क्या करेंगे, पहले गाड़ी को स्लो करेंगे। कैसे स्लो करेंगे, अगर गाड़ी 40 पे चली थोड़ा सा ब्रेक करेंगे पहले, मैंने ब्रेक किया और 30 पे गाड़ी आएगी तो फिर उसके बाद क्लच भी प्रेस होगा, फिर उसके बाद मेरा सेकंड गियर लगेगा। सेकंड गियर लिया देखो ये, और यहाँ पर जब कोई चौराहा या टर्निंग होती है तो क्या करते हैं, ब्रेक छोड़ के थोड़ा सा क्लच छोड़ते हैं, कभी भी फुल क्लच नहीं छोड़ते, ये हाफ क्लच रहेगा, थोड़ा सा जरूरतमंद के अकॉर्डिंग मेरा एक्सीलेटर रहेगा, अगर कोई सामने आएगा तो मैं एक्सीलेटर छोड़ दूंगा। ये देखो मेरे पैडल्स कैसे चल रहे हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये गाड़ी मेरी मूव हो गई पूरी, अभी मैंने पूरा क्लच नहीं छोड़ा, अब छोड़ा मैंने पूरा क्लच, इस तरीके से ये हो गई ड्राइव। जो गाइस तो समझ तो आया होगा आप लोग को, अभी मैं एक बार टर्निंग में भी आपको बता दूंगा टर्निंग में क्या करना है अपन को। टर्निंग में थोड़ा सा क्लच का जो ऑपरेटिंग होता है थोड़ा सा हाफ क्लच पे रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि भाई जब टर्निंग होती है ना तो स्लो होती है, और जब नए बिगनर्स होते हैं तो अपनी गाड़ी क्या होता है पूरी तरह स्लो कर देते हैं, क्या होता है पूरी तरह एक्सीलेटर छोड़ देते हैं, जिससे गाड़ी पूरी तरह स्लो होने लगती है, फिर बंद होने के चांस आ सकते हैं। तो क्या होता है कि उसमें सेकंड गियर में रखते हैं, और टर्निंग में भी आप हाफ क्लच से ही टर्न करना है, क्या हाफ क्लच से आपकी गाड़ी 100% कंट्रोल रहेगी आपके पैरों पे, और गाड़ी तेज भी नहीं जाएगी और गाड़ी बंद भी नहीं होगी। देखो मैंने इंडिकेटर दिया, फिर ब्रेक लगाया मैंने, यहाँ पे क्लच दबाया, स्लो किया, ये मैंने सेकंड गियर लगाया, अब टर्निंग है देखो, यहाँ पर टर्निंग है, तो मैंने क्या किया ब्रेक छोड़ दिया और क्लच को सिर्फ हाफ रखूंगा, ये देखो हाफ है मेरा क्लच पूरा नहीं छूटा। जरूरतमंद के अकॉर्डिंग चढ़ाई होगी तो मैं एक्सीलेटर दूंगा हाफ में, अगर प्लेन जगह में होगी तो नॉर्मल ऑटोमेटिक चलती रहेगी क्लच से, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सीलेटर देने की बिल्कुल भी। ये चीज तो समझ में आ गया होगा सर, अब ये देखो सामने जा रहे हैं। तो गाइस क्लच रिलीज टेक्निक समझ में आ गई होगी आपको, अगर चैनल वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे न्यू वीडियो की अपडेशन आसानी से आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टिप्स लेकर, जय हिंद जय भारत।